हेलो इंजीनियर्स, मैं भवेश कुमार सिंह, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन, चिंचोर पुणे से। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा, RS Logix 5000 जो सॉफ्टवेयर टूल्स है, जो रॉकवेल का कॉम्पैक्ट लॉजिक्स, कंट्रोल लॉजिक्स, सॉफ्ट लॉजिक्स, गार्ड लॉजिक्स, इन सभी सीरीज को सपोर्ट करता है। यदि हमारे पास में हार्डवेयर नहीं है, फिर भी हम लोग लॉजिक जो है कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो पहला हमारा टॉपिक आज का यही है कि हम लोग इम्यूलेटर के थ्रू लॉजिक को कैसे हम लोग चेक करेंगे, कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे, राइट? तो इसके लिए सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, हम लोग जो है जो रॉकवेल का कम्युनिकेशन ड्राइवर है, उस कम्युनिकेशन ड्राइवर का नेम क्या है, RS लिंक्स क्लासिक। ये अलग अलग आपका टाइप का हो सकता है, या आपका लाइट हो सकता है, गेटवे हो सकता है, OEM हो सकता है। तो इसके अलग अलग फोर टाइप्स हैं, तो इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में से हम लोग जो है अभी RS लिंक्स लाइट वर्जन को मैं ओपन करने जा रहा हूँ। तभी आपका कुछ टाइम के बाद आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, जस्ट मैंने अभी क्लिक किया ओपन करने के। तो ये अभी अपना ओपन हो रहा है RS लिंक्स क्लासिक, जो कि आपका पैकेटॉक प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करता है, OPC जो UA है इस प्लेटफॉर्म को भी ये सपोर्ट करता है। यानी कि हमें जब थर्ड पार्टी स्काडा को कम्युनिकेट करना है, तो वैसे केसेस में भी ये सॉफ्टवेयर टूल्स हमें सपोर्ट करता है, राइट? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है देखेंगे इसको। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला हमारा और क्या रहेगा, कन्फिगर ड्राइवर में हम लोग को जाना है, और ये पहले से अगर कोई भी ड्राइवर है तो इसको हमें डिलीट कर देना। इसके बाद जो हमारा इम्यूलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हमारा बेसिक सीरीज है, यानी कि RS लॉजिक्स 500 प्लेटफॉर्म का यदि हार्डवेयर है, तो हम लोग ये 500 वाला सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अभी हमारा प्लानिंग क्या है कि हम लोग जो है 5000 फैमिली जो सपोर्ट करता है, उसको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं विदाउट हार्डवेयर जो है। तो यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन क्या रहेगा, 58XX, यानी कि ये आपका 5000 फैमिली है, इसको हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके ऐड पे हम लोग क्लिक करेंगे, और ये जस्ट एक एलन मेडली का वर्चुअल बैक प्लेन आपका क्रिएट कर रहा है। स्लॉट नंबर अभी हम लोग कुछ भी डिफाइन नहीं करते हैं, चाहे तो हम लोग स्लॉट नंबर डिफाइन कर सकते हैं। मैं जस्ट इसको ओके में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमने क्लोज किया। अभी जब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 0 जो है ये मेरा अपना खुद का लैपटॉप का एड्रेस है, ठीक है? लेकिन मेरा कंट्रोलर का एड्रेस चाहिए। कंट्रोलर को कैसे हम लोग कन्फिगर करेंगे, इसके लिए जो है एक सॉफ्टवेयर टूल्स आता है, जो सेकेंड सॉफ्टवेयर टूल्स होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RS लॉजिक्स इमुलेट 5000। यहाँ पे यस बोलना है। यस बोलने का मतलब कि एज ए एडमिन हमारे सिस्टम इसको परमिशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये हमारा इम्युलेटर 5000 जो है ये भी ओपन हो रहा है। ये बोला कि एक्टिवेशन रिक्वायर्ड है, ये सॉफ्टवेयर टूल्स आपका ओपन नहीं हो, तो इसके साथ में चलिए अच्छी बात है, ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसी वीडियो जो में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर जो है 7 डेज के बाद ओपन नहीं हो पा रहा है, कुछ एरर आया, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो सी ड्राइव को ओपन करना है। हम लोग क्या करेंगे, सी ड्राइव को ओपन करेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम डेटा में हमें जाना है। प्रोग्राम डेटा में जाने के बाद रॉकवेल ऑटोमेशन, यहाँ पे जो आपका फैक्ट्री टॉप एक्टिवेशन का ऑप्शन मिलेगा, जितना भी RNL फाइल है इन सभी को सिर्फ डिलीट करना है। तो हमारा जो भी रॉकवेल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स है, ये एज ए डेमो आपका 7 डेज के लिए फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, फिर से ये काम करेगा। अब हम लोग सेम सॉफ्टवेयर टूल्स, जो इम्यूलेटर जो हमारा ओपन होने में प्रॉब्लम आया था, इसको हम लोग दोबारा अभी हम लोग ओपन करते हैं, देखते हैं कि इस बार ये क्या मैसेज देता है। इस बार जो ये मैसेज हमें यही दिया कि ये आपका जो ग्रेस पीरियड जो है, ये 7 डेज के लिए आपका एक्टिवेट हो चुका है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो स्लॉट नंबर 2 पे हमने जा करके हमें क्या करना है, मान लीजिए कि 2 पे ऑलरेडी है, तो 3rd पे हम लोग जा करके क्रिएट
यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्लॉट नंबर 3 हम लोग लेंगे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट 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 हमें बोल रहा है, नेक्स्ट 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 हमने किया। अब हमारे पास में दो कंट्रोलर हो गया, पहले से ऑलरेडी यहाँ पे कन्फिगर था जो कि स्लॉट नंबर 2, और अभी जो हमारा कन्फिगर है स्लॉट नंबर 3। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी वाले कंट्रोलर को ही हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ पे रन पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो ध्यान देना है, अभी जो हमने स्लॉट नंबर 3 पे जा करके ऐड किया है, और इसी को मैं रन मोड पे मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, यहाँ पे रन का इंडिकेशन भी आ चुका है। तो अब हम लोग को ध्यान देना है कि जब हम लोग कंट्रोलर यानी कि प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर है RS Logic 5000, उसमें जब भी हम लोग ऐड करेंगे अपने कंट्रोलर को, तो वो कंट्रोलर हमारा क्या होगा, स्लॉट नंबर 3 पे रहेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Studio 5000 भी है, लेकिन अभी हम लोग जो है Studio 5000 वर्जन 35 इसमें इंस्टॉल है, लेकिन अभी हमारा जो है RS Logic 5000 की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमने इम्यूलेटर यूज किया है। ये RS Logic 5000 में हमारा वर्जन कौन सा है, 20.05, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ भी सेम मैसेज आया 7 डेज के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगता है, तो एक टेक्निक क्या है, अगर ये टाइम लेता है तो इसको क्या करना है, दोबारा फिर से ट्राई करना है। तो ये बैकएंड में जो ज्यादा जो टाइम लगाता है, ये इसको एक मतलब पुश मिलता है, और ये जल्दी से जल्दी हमारा जो है दोनों का दोनों हमारा ओपन हो जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, जस्ट दोबारा हमने ट्राई किया, अदरवाइज ये लगभग 1 से 2 मिनट का भी टाइम लेता है। तो हम लोग साइट पर जब जाते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि 2 मिनट तक हमारा सॉफ्टवेयर टूल्स ओपन नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो बार इसको ओपन करने का प्रोसेस करते हैं। तो अभी देखिए ये जल्दी से क्या हो गया, ये दोनों का दोनों एक साथ ओपन हो गया, तो किसी एक को हम लोग क्लोज करें। अब हमारा स्टेप्स क्या रहेगा, फाइल पे जाना है न्यू, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का कोई नेम हम लोग दे देंगे, प्रोजेक्ट का नेम हमने दे दिया यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन, ये प्रोजेक्ट का नेम कंपलसरी है, अदरवाइज ये अगले स्टेप पे आपको जाने नहीं देगा। ये हमारा Lab 1 है, इसलिए हम लोग इसका नाम क्या देंगे, Lab 1। ये आपका रिवीजन नंबर यानी कि जो आपका फॉर्मवेयर जो रहता है, जो कंट्रोल फ्लैश के थ्रू हम लोग जो कंफिगर करते हैं, यहाँ पे जो आपका फॉर्मवेयर वर्जन है ये सिलेक्ट करना, ये कंफर्म करना जरूरी है, क्योंकि अभी हमारा वर्जन 20 का इम्युलेटर हमने रन किया है, ओपन किया है, इसलिए जो है हमें यहाँ पे 20 ही सिलेक्ट करना है। और कंट्रोलर में जा करके हमें इम्युलेट 5570 जो दिख रहा है, इसी को हमें सिलेक्ट करना। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया। अब ध्यान क्या देना है, स्लॉट नंबर यहाँ 0 बिल्कुल नहीं होगा, स्लॉट नंबर क्या होगा, 3 होगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि दोबारा हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यहाँ जो हमारा स्लॉट नंबर 3 यानी कि यहाँ देखिए ये थर्ड को हमने एक्टिवेट किया है, इसलिए यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए, स्लॉट नंबर 3 ही होना चाहिए। ओके, फिर हमने क्लिक किया। अब जो है हमारा एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन Lab 1 के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो हम लोग इसको टेस्ट करेंगे कि ये हमारा जो है अभी तक का कन्फिगेशन ओके है या नहीं है। तो जस्ट हम लोग कम्युनिकेशन पे जाएंगे, हु एक्टिव पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, और हमारा जो स्लॉट नंबर 3 है इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे जाकर के डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये वैसे ही बिहेवियर करता है जैसे कि आपका एक्चुअल हार्डवेयर पे डाउनलोड हो रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका स्लॉट नंबर 3 पे आपका डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, हम लोग अपने ट्रेनिंग लैब में हार्डवेयर के साथ में ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट था कि सर यदि मेरे पास में हार्डवेयर नहीं है तो फिर हम लोग कैसे इस पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो अब हमारा इम्यूलेटर बिल्कुल ऑनलाइन है, अब हम लोग ऑनलाइन मोड में ही कुछ लॉजिक डेवलप करने वाले। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या है, एक रूटीन बनाना है। रूटीन बनाने के लिए सबसे पहले हमारा रूल ये है कि पहला पेज जो हम लोग जो लेते हैं वो पेज का नेम क्या होना चाहिए, आपका इनपुट मैपिंग।
इनपुट मैपिंग। अभी ध्यान ये देना है कि हमने हार्डवेयर को एक एक कार्ड को कॉन्फ़िगर नहीं किया है, फिर भी हम लोग जस्ट एक टेस्ट हम लोग करेंगे। फेल टू क्रिएट यहाँ पे बोल रहा है। फेल टू क्रिएट क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसको जो है इस तरह का नेमिंग इसको नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल हम लोग एक नेम दे देते हैं आपका जो है लॉजिक, क्योंकि ऑनलाइन में जो है ये अंडरस्कोर वगैरह को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है मेन रूटीन पे जाना है। मेन रूटीन पे जाने के बाद ये जो है जंप टू सब रूटीन, यानी कि जीएसआर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो जीएसआर लिखने के बाद यहाँ पे जस्ट मेरे को क्या करना है, जो हमारा पेज है हमने जो क्रिएट किया है, यानी कि हमारा क्या हो गया मेन रूटीन पे हमने कॉल करके। अब भाई यहाँ पे लॉजिक हमें बनाना है, रूल को बिल्कुल फॉलो करना है। अभी जस्ट एक टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है एक टैग में बना रहा हूँ EMG। ठीक है, आपका जो है इमरजेंसी स्टॉप टैग हमने दिए, और एक क्वाइल हम लोग लेते हैं। जस्ट यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्वाइल हमने लिया और इसको भी नेम हमने दे दिया, मान लीजिए कि ये हमारा क्या लैंड। जस्ट एक सिंपल सा टैग हम लोग ले रहे, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना। तो ये इस पे राइट क्लिक करके ध्यान ही देना है, यहाँ से जो हम लोग क्रिएट करेंगे ये मेरा प्रोग्राम टैग मेरा बनेगा। तो ये प्रोग्राम टैग के लिस्ट में ये यहाँ पे आएगा, जहाँ पे अभी मैं कर्सर को रोटेट कर रहा हूँ, यानी कि ये मेरा इंटरनल टैग होगा। ये मेरा कम्युनिकेशन में ये टैग मेरा यूज में नहीं आएगा, यानी कि एक्सटर्नली जब मेरे को कम्युनिकेट करना है HMI के साथ में, इस कार्य के साथ। तो ये मेरा ये डैश डैश अभी दिख रहा है, यानी कि इसको जस्ट हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना होगा। तब जाकर के फाइनली क्या होगा, इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। मेन रूटीन जो है ये भी ट्रांसफर है, ये भी हेल्दी है, लॉजिक भी हेल्दी है। तो इसको राइट क्लिक करके शॉर्टकट में क्या है, यहाँ पे कंट्रोल टी, तो कंट्रोल टी हम लोग प्रेस करेंगे, लैम्प हमारा यहाँ पे ऑन दिख रहा है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जूम करता हूँ ताकि और आप पिक्चर क्या है और क्लियर आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे जो है जस्ट मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ कंट्रोल टी, यानी कि ऑन ऑफ करने के लिए जो है। ये हमने जस्ट हमने क्या देखा कि कैसे हमें इम्युलेटर को यूज करते हुए लॉजिक को, सिंपल एक लॉजिक को हमें टेस्ट करना है। अगला जो हमारा वीडियो जो रहेगा, हम लोग अगला वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे इनपुट आउटपुट कार्ड को कन्फिगर करना है। ठीक है, इनपुट आउटपुट कार्ड को जब तक हम लोग कन्फिगर नहीं करेंगे तब तक हम लोग एक प्रॉपर वे को फॉलो नहीं कर सकते, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्री 4.0 का जो स्टैंडर्ड है, जिसमें हमारा फर्स्ट पेज क्या बनना चाहिए, सेकेंड पेज क्या बनना चाहिए, थर्ड पेज क्या बनना चाहिए, तो इसको हम लोग सिक्वेंस वाइज हम लोग फॉलो करने वाले हैं, और एक एक नेटवर्क पे हमारा क्या रहेगा इसको भी हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हमारा नेक्स्ट जो है ये पूरा RS Logic 5000 का कंप्लीट 40 वीडियो आपको मिलने वाला है। तो ये हमारा पहला वीडियो है RS Logic 5000 पे, और इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।